श्री गुरुभ्यो नमः। आज का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा एवं शोध। आचार्य जी जो है वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग के सूत्रधार है, और आचार्य जी का संपर्क करने के लिए वरकेड़ी जी खुद बताए थे। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हुए यहाँ पर आए और हमारे शोध छात्रों को एवं अन्य विश्वविद्यालय के जितने भी शोध छात्र हैं उनको आप संबोधित करेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। सर, आपके शिष्य लोग भी यहाँ पर व्याख्यान देने वाले हैं, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सर, सभी शोध के प्रतिभागीगण, जिस विषय पर आपसे हम आज चर्चा करेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, आपको कुछ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं कि एक इंफॉर्मेशन के रूप में हम यहां देंगे, डेप्थ नॉलेज की बात तो नहीं करेंगे। ज्ञान क्या है, भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, और आप लोग विभिन्न विषयों के हैं, जैसे आचार्य के समक्ष परिचय दे रहे थे, कई विषयों के लोग हैं, शिक्षा शास्त्र के कितने लोग हैं इसमें, इस समय वर्तमान समय अत्र उपस्थित उपस्थित में शिक्षा शास्त्र विषय केवल एकम, अच्छा दो, तो खैर मैं शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हूं और भारतीय ज्ञान परंपरा पे हमने कई पुस्तकें लिखी है, भारत सरकार की परियोजना से भी कई साल पहले जुड़ा था। ये जो टर्म अब आया है इस पर काम लगभग 7-8 साल पहले से भारत सरकार से मेल चल रहा था, भारत ज्ञान वैभव, भारतीय ज्ञान प्रणाली। फिर बाद में इसको यूजीसी ने जो है लिया है, आपके हम जगदीश कुमार पता होगा, अब इस पर जो है आपका नेट भी शुरू हो गया। तो जो बिगिनिंग वाला पूरा पोर्शन है उनमें हमने काम किया है, बहुत पहले शुरुआत की जो कहते हैं इसका। इसी तरह से आप नए नए टर्म सुनते होंगे, माइंडफुलनेस एंड हैप्पीनेस करिकुलम दिल्ली सरकार ने, तो मध्य प्रदेश सरकार ने, दिल्ली सरकार, इसमें भी काम बिगिनिंग वाला काम है, बात के तो लोग जैसे ट्रेनिंग हो जाता है। देखिए, हम आपके मन में एक बड़ी जिज्ञासा होगी कि रिसर्च शब्द आया कहां से है। आप पूरी इंसाइक्लोपीडिया, पूरे पंच क्या कहते हैं आप जो है हमारा सबसे बड़ा वो है संस्कृत का जो है ना, जितना पूरा सब देखिए तो एक शब्द मिलता है कि रिसर्च आया कहां से। इंसाइक्लोपीडिया में देखिए तो उसमें बाहर के बड़े सारे शब्द मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये लगा जो हमने पाया स्वाध्याय के द्वारा, हमारे जो ऋषि थे, जितने भी ऋषि थे, रिसर्च शब्द वो ऋषियों से ही आया है, और उनके द्वारा की गई जो तपश्चर्या होती थी वो रिसर्च था। कैसे था इन पर थोड़ी बहुत चर्चा हम आपसे करेंगे, फिर मैं शोध पे आऊंगा। भूमिका के रूप में दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी इस सरकार को, ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पूरे भारत के जितने विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, क्यों जरूरत पड़ गई इसकी। इसकी जरूरत यही पड़ी कि आजादी के बाद से लेकर के 1947 से लेकर के जो भी सरकारें आती गई, एक जिसको कहते हैं एक ऐसा नरेटिव सेट किया गया, इतिहास है, विज्ञान है, भाषा है, जो भी विषय है, जितने भी विषय हैं उनमें पाश्चात्य को और जो हम कह रहे हैं वो सच माना जाए, और हमारे जितने भी ऋषि मुनियों के जितने प्राचीन वैज्ञानिक थे उनकी बातों को डिस्कार्ड किया जाए और हम उसको मानते हुए चले। हमने जब इस पे काम किया, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ऐसे ग्रंथों का हम लोगों को वो मिलता था, तो ऐसा लगा कि हमने जो अब तक पढ़ा है सब झूठा पढ़ा है, ये मेरा अपना अनुभव रहा है। तो अब इन सब चीजों को जब आपके सामने एका किया जाएगा तो बड़ा इको हो जाएगा। अभी भारत सरकार बड़ा सारे इस पर काम हो गए हैं, अभी एकाएक वो बाहर नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि एकाएक वो ज्ञान युद्ध शुरू हो जाएगा,
छोटी सी बात होती, भारत भारतीयता की बात होती है तो कितना हो जाता है। तो भारत सरकार ने बड़ा सारा काम किया है। अब इसको एक वो दिया जा रहा है कि विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर हम शिक्षण अधिगम के माध्यम से ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च थ्रू इम्पार्ट करें इस नॉलेज को, और धीरे धीरे जब हम आत्म हो जाएंगे, जैसे होते हैं ना पराधीन होना जब होता है तो एकाएक पराधीनता का इंजेक्शन नहीं लगता है, धीरे धीरे व्यक्ति होता है। तो वैसे जिस प्रणाली से हम पले बड़े हैं, पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, अब धीरे धीरे जब इसके साथ जुड़ेंगे तब ये जनमानस में पहले, इसलिए इसको स्लो ढंग से होम्योपैथिक ढंग से बात शुरू की जा रही है, एलोपैथिक ढंग से नहीं। ये मेरा अपना अनुभव है। भारतीय ज्ञान के बारे में जब बात करते हैं, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं, मेरी आवाज जा रही होगी वहां तक, पहुंच रही है। भारतीय ज्ञान, देखिए दो बातें हैं, भारतीय, अभी शोध पे मैं नहीं आ रहा हूँ, शोध से संबंधित भारतीय ज्ञान की बार बार आपके मन में जिज्ञासा होती होगी, क्या छंद, ज्योतिष, प्राकृत, अपभ्रंश, हमारे जितने विद्याएं हैं क्या सब यही ज्ञान है? दरअसल ज्ञान है सब, इनमें जो भरा हुआ है उनको बाहर निकालना जो है ये हमारे प्राचीन ऋषियों की परंपरा रही है, और वो रिसर्च बेस्ड था, हम रिसर्च बेस्ड बातें नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को वापस लाना है हमें, यही भारतीय ज्ञान परंपरा है। भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब प्राचीन काल की, हमारे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जो पूरा वैदिक पीरियड है हमारा, हमारा जो जिस युग में हमारे वेदों की मतलब संकलन हुआ, उपनिषदों का हुआ, आरण्यक ग्रंथों का हुआ, आपके पुराण का हुआ, संहिताएं लिखी गई, श्रुतियां, स्मृतियां जितनी भी हुई रचना, उनमें जो बातें रखी गई है ज्ञान आधारित, शोध आधारित, उनको बाहर ला करके जनमानस में आज की शिक्षा जो प्रणाली है इसके साथ उसको समावेशित करना है, दैट इज भारतीय ज्ञान। और जब इसकी बात होती है तो आप किसी भी डिसिप्लिन के हो, चाहे धर्मशास्त्र के हो, चाहे साहित्य के हो, चाहे व्याकरण के हो, चाहे दर्शन के हो, शिक्षा शास्त्र के हो, ज्योतिष के हो, वास्तु शास्त्र के, जितनी हमारी परंपरागत विषय है उनमें कहीं न कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा को आपको जोड़ना है और उससे संबंधित आपको शोध करना है। जब आप शीर्षक, प्रकरण, टॉपिक का सिलेक्शन करें वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करें, मैं उन सब बातों पर थोड़ी सी चर्चा आपको करूंगा। अब दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे हमारा इतिहास है, भारतीय इतिहास, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र है, वाणिज्य विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, वनस्पति शास्त्र है, जंतु जितने भी हमारे विषय है, हमारा विधि शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेद है ना सब पूरा, ये सब जितने हैं इन सब में पश्चिमी, जिसको कहते हैं वेस्टर्न, पश्चिमी जगत की बातों को भरा गया सब, और हमारे यहाँ हमारे ऋषियों के द्वारा जो बातें थी उनको जिसको कहते हैं दबा दिया, हम उन्हीं को सत्य मान करके चले जो हमें बताया गया, पढ़ाया गया, जो पुस्तकों में उपलब्ध कराया गया, हर चीजों को, मैक्स मूलर जो कह रहा है वो सत्यम, वही बात हो रही ना पूरा, टाइन भी जो कह रहा है वही सत्य है पूरा। तो भाषा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जितनी बातें हैं जो बताई पढ़ाई गई सब पश्चिम को सेंटर मान के, पूर्व और पश्चिम में कोई द्वंद नहीं है, नो डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट, लेकिन सोच का फर्क है। ज्ञान के बारे में जब कहते हैं कि ज्ञान क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, तो ज्ञान के बारे में हमारे यहाँ का मतलब हमारे संस्कृत वांग्मय में जितनी विधाएं हैं उस परंपरा में ज्ञान की बड़ी व्याख्याएं की गई है, दो चार का मैं रेफरेंस दूंगा फिर मैं शोध पे आऊंगा। मुख्यतः सामान्य अर्थ में जब ज्ञान की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉलेज, व्हाट इज द नॉलेज, नॉलेज सिस्टम, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ क्या है, तो ज्ञान के बारे में जो इसके मिलते हैं कि ज्ञान एक रीजनिंग है, नॉलेज एक तर्क है, नॉलेज इज एक्सपीरियंस, ज्ञान एक अनुभव भी है, नॉलेज इज ए मैच्योरिटी। अब देखिए इसके कितने पर्याय मिल रहे हैं, नॉलेज इज एक्सपीरियंसेस, नॉलेज इज रीजनिंग,
नॉलेज ज्ञान तर्क है, ज्ञान अनुभव है, ज्ञान परिपक्वता है, ज्ञान साधन है, ज्ञान एक विधि है, नॉलेज इज ए मेथोडोलॉजी, ज्ञान बुद्धिमता है, ज्ञान विचारों की आधारशिला है। व्हाट इज द नॉलेज? नॉलेज इज द बेसिस ऑफ आवर आइडियाज, थॉट प्रोसेसिंग। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। अगर ज्ञान है, सत्य ज्ञान अगर है, तो आप जो है सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान जो है हमारी कल्पना भी है और ज्ञान हमारी सोच भी है। इट इज इमेजिनेशन एंड इट इज ए थॉट। ज्ञान भारतीय वाङ्मय में ज्ञान अंतः प्रज्ञा है, इंट्रोस्पेक्शन अंतः प्रज्ञा है। और ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज इज ए पावर, ज्ञान शक्ति भी है। ज्ञान चेतना भी है, ज्ञान जिज्ञासा भी है। और भारतीय दर्शन में जब ज्ञान की बात करते हैं, इन इंडियन फिलॉसफी, तो ज्ञान जो है मानव जीवन का सार है। इट इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब इन सब तथ्यों को लेकर के जब आप अपने विषयों के साथ जोड़ेंगे, जिन विषयों के आप लोग हैं, सब्जेक्ट के साथ, तो वहां पर आपको खोज और अनुसंधान करने की बात आएगी। हम रिसर्च के अभी कुछ टर्म की बात करेंगे आगे। इसके साथ साथ भारतीय ज्ञान अवधारणा में हमारे आप सबको जो वेदांत पढ़े होंगे, वेदांत में अंतःकरण के चार प्रकार बताए गए हैं, पता सबको होगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्त काल मंत्रम है ना, ये पूरा के पूरी मन बुद्धि चित्त और अहंकार अंतःकरण के चार प्रकार। तो वेदांत में अगर रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप मन पर, बुद्धि पर, अंतःकरण पर रिसर्च करिए। ये भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में होगी। इसी तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान प्राप्त के लिए केवल एक मार्ग बताया गया है और वह मार्ग है एकाग्रता का, ओनली जे कंसंट्रेशन। हमारे यहाँ ध्यान की बात रही है ना, महर्षि पतंजलि का जो है पूरा का पूरा वो है। तो एकाग्रता जो है, कहा गया है कि एकाग्रता जो है इट इज द बेसिस ऑफ आवर रिसर्च। हमारी कंसंट्रेशन जो है वो हमारे शोध का आधार है। और गीता में भी कहा गया है, एक श्लोक आता है, ध्यायतो विश्वास, मतलब पूरा श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें ज्ञान की बड़ी सारी बातें कही गई है। इसी तरह से उपनिषद में, जो उपनिषद के पढ़े होंगे, वहां पर ज्ञान को विद्या के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। विद्या परापरा सर्वे जानन्ति, कह परा कह अपरा, तो परापरा विद्या पर भी शोध की जरूरत है इस समय। ये मेरा बताने आने का जो उद्देश्य है कि पढ़ने का विषय नहीं है, इट इज नॉट ओनली द टॉपिक ऑफ केवल स्टडी है, इट इज टॉपिक ऑफ रिसर्च। परा पर क्या काम हम करें, अपरा के पर काम कैसे क्या करें। इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान के संदर्भ में उसके 18वें अध्याय में जो है ज्ञान को तीन गुणों के साथ जोड़ा गया है, सात्विक, रासिक और तामसिक। इनकी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, इन पर भी रिसर्च की जरूरत है कि तामसिक प्रवृत्ति वाला जो व्यक्तित्व है, अगर ज्योतिष वाला है तो तामसिक आहार के आधार पर उसकी कुंडली और उसके कौन से ग्रह और नक्षत्र में क्या बदलाव आ जाता है, इस पर करिए। न कि जो लिखा हुआ है उसको ले लिए, याजवल्लक ने कहा तो उन्होंने लिखा हुआ है, आप करिए नई चीज कि आहार से, विचार से, व्यवहार से, वातावरण से कैसे आपका जो है वो काल ग्रह, उनका प्रभाव आपके ज्योतिष वालों पर, शिक्षा वालों के लिए है कि व्यक्तित्व और हमारे न्यूरॉन्स में, हमारे जो ब्रेन में जो एक्टिवेशन होता है वो कैसे चल जाता है, वास्तु वाले जो है जिस स्थान पर रहा है उसका प्रभाव कैसे पड़ रहा है, उसके बारे में बात करें। तो ये इसी तरह से आपके जैन दर्शन में जो जैन फिलॉसफी है वहां शोध के उनमें जो है पांच प्रकार ज्ञान का वो दिया गया है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान जो पढ़े होंगे जानते हो, अवादि ज्ञान माने पर्याय कैवल्य, कैवल्य पर रिसर्च करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है ना, मुनि लोग जो उनका एक परंपरा है इन पर है सब, लेकिन इन सब में सात्विक ज्ञान को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। न्याय दर्शन के जो लोग छात्र होंगे पता होगा उनको, वहां भी ज्ञान के प्रकार
चार बनाए गए, प्रत्यक्ष अनुमेय उपमेय पता होगा, इनका शिक्षा के साथ क्या संबंध है, विद्या के साथ क्या, इन पर रिसर्च की जरूरत है करने की। इसी तरह से सांख्य दर्शन में, सांख्य शास्त्र दर्शन में ज्ञान का प्रत्यक्ष और अनुमानित ज्ञान है। तो हम तो तर्क कर लेते हैं, जो सूत्र है ऊपर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष है और अनुमानित का हमारे जीवन पर क्या कैसे प्रभाव, इस पर अध्ययन हम नहीं करते हैं। ये जरूरत है सांख्य महर्षि कपिल का, जो है पूरा का पूरा मनोविज्ञान का वो है, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व के जो है सत रज तम की बात कही। तो ये जरूरत है हमें। इसी तरह से योग वशिष्ठ में, योग वशिष्ठ ग्रंथ में ज्ञान की सात भूमिकाओं का वर्णन किया गया है। अवबोधम विदु ज्ञानम तदिदम सप्त भूमिकाम, पूरा एक लंबा वो है जिसके अंतर्गत है सुभेक्षा विचारणा, ये पूरे सात उन्होंने भूमिकाएं दी है। तो योग वशिष्ठ पर तो हम अनुसंधान कर लेते हैं, लेकिन इनके जो सात भूमिका है ना, मानव जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन के साथ इनका क्या रिलेशन है, इन पर अध्ययन की जरूरत है, ये हमारा कहने का वो है। इसी तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान कला जो है हमारी, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो इसका मतलब है सनातन, जिसका कोई अंत नहीं है, जो तो चला आ रहा है कई हजारों सालों से, अनेक कालखंडों में जो है हमारे ऋषियों ने, चिंतकों ने, दार्शनिकों ने, शिक्षाविदों ने, मुनियों ने, साहित्यकारों ने, नीतिज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने, संतों ने, कलाकारों ने, जितने हुए हैं सब, उन्होंने क्या योगदान दिया, उनका जो अनुभव रहा है, उन अनुभवों को जहाँ संकलन किया गया है, तो ग्रंथ ग्रंथ बन गए, काव्य बन गए। तो काव्य और ग्रंथों में उनकी जो बातें हैं उनको तो पढ़ लेते हैं हम, लेकिन फिर उसके प्रभाव का, उसकी उसकी जो क्या कहते हैं कि प्रासंगिकता का जो है ना, हम अध्ययन नहीं कर पाते। तो ये जरूरत है शोध में हमें, इसको भी है। भारतीय अंग विद्या जैसे वैदिक गणित है प्राचीन शिक्षा और सबके लिए है। इसी तरह से हमारे भारत में वेद के जो लोग होंगे, रिसर्च में ये पाया गया कि हमारे जो वेद हैं वो पूरे रिसर्च के सबसे ऑथेंटिक जो है ग्रंथ है वो, चारों वेद हमारे, क्योंकि जाति वर्ग परंपरा से बहुत ऊपर है, उनमें कहीं वो नहीं है। पूरा का पूरा जो है इस ब्रह्मांड की जितनी बातें हैं और जो चर अचर है सबकी चर्चा उसमें है। तो यहाँ पर हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में लोगों के बारे में ऐसी जो लिखा मिलता है, और ये गलत रिमर किया गया कि जो गुरुकुल हुआ करते थे वहाँ केवल संस्कृत पढ़ाई जाती थी, ऐसी बात नहीं है। रिसर्च के आधार पर पता चला है कि गुरुकुल और विद्या केंद्र, शिक्षा केंद्र जो थे, विश्वविद्यालय थे, वहाँ पर विज्ञान की पढ़ाई हुआ करती थी, और 32 सब्जेक्ट जो है ये आइडेंटिफाई हुआ है, 32 विषयों की पढ़ाई को स्टडी हुआ करती, सोलार सिस्टम से लेकर आपकी इंजीनियरिंग से लेकर टेक्नोलॉजीज तक पूरी की पूरी, अब ये सब आइडेंटिफाई किए गए हैं, पता लगाया गया है पूरा का पूरा। मैं तो चार चीजों की चर्चा करके फिर आ जाता हूँ शोध पर। प्राय हम बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु था, और हम प्रयास कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर कि पुनः विश्व गुरु बने। विश्व गुरु जो है ग्लोबल नॉलेज, तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? अतीत हमारा बहुत, अतीत का वैभव बहुत हमारा उच्च था, वर्तमान में डगा जगमगा गया, भविष्य के बारे में हम जानते नहीं है। तो कुछ है जो अन्य विषयों में कार्य पता, मतलब जिसको कहते हैं रिसर्चेस जो हुए हैं पता चला है, मैं सूचना के रूप में आपको दे देता हूँ। जैसे हम गणित की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, दशांश पद्धति है, डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली पद्धति जो है इसका आया है 5,500 वर्ष पूर्व, 5,500 वर्ष पूर्व मेधातिथि ने खोज की। मेधातिथि ऋषि थे, एंड ही डिस्कवर्ड, ही इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम। इसी तरह से गणना का आविष्कार, द इन्वेंशन ऑफ कैलकुलेशन, अभी बात आ रही थी ना, मैं उसमें
आर्य के जो सुप्रेम जी बात कर रहे थे, तो गणना का जो आविष्कार है ये माधवाचार्य जी ने किया था। माधवाचार्य वाद्य साइंटिस्ट एंड ऋषि, हम जितने ऋषि की बात कर रहे हैं इनको आप वैज्ञानिक मान के चलेंगे। बस वैदिक गणित, वैदिक जो वैदिक हमारा गणित है, इस पर बड़ा काम हो रहा है। अब भास्कराचार्य, भास्कराचार्य ने 1150 ईसा पूर्व में दो ग्रंथ, इनके बड़े महत्वपूर्ण है, ज्योतिष वाले जानते होंगे, पढ़ाते भी होंगे, लीलावती और एक ग्रंथ लिखा है, एक सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि में जो है भूगर्भ विज्ञान जो है जियोलॉजी का जिक्र किया है उन्होंने। तो भास्कराचार्य ज्योतिषी ही नहीं थे, ही वाज द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ जियोलॉजिस्ट। ये जो कंपन आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं, गुरुत्वाकर्षण है, इन सब का आविष्कार जो है भास्कराचार्य ने किया था। और हम नाम दे देते हैं न्यूटन का, न्यूटन को हमें पढ़ाया गया है। साइंस वालों से बात जब होती है IITs और साइंस में, तो न्यूटन को पढ़ाया गया और उनसे कई हजार साल पहले भास्कराचार्य ने बता दिया। तो अब इसी को वापस लाने की जरूरत है, यही भारतीय ज्ञान परंपरा है। ध्यान रखिए कि न्यूटन की जगह हम इनको कैसे प्रतिस्थापित करें। तो ये दोनों ग्रंथ है महत्वपूर्ण, इनका है लीलावती। ज्योतिष वाले हमेशा ज्योतिष की ही बात करें, भूगर्भ की बात पर नहीं। भूगर्भ का ज्योतिष के साथ क्या संबंध है, ये जरूर है, रिसर्च की जरूरत है, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह से इसी समय 628 में एक हुए थे बोधायन। बोधायन ने बीज गणित का आविष्कार किया था। बोधायन ऋषि थे, बीज गणित के सूत्र जो होते हैं ना, जो फार्मूला ऑफ जो बीज गणित है, इसका इन्होंने वो किया था। प्रमेय जो पढ़ते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री, इसका आविष्कार किया। पाई का आविष्कार जो है किया गया था। आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा। आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में, ये तो बहुत बात का, लेकिन तब भी बहुत लंबा है, कई मतलब हजारों साल की बात हो गई, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अष्टांग पद्धति। मेरी ये किताब बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। आर्यभट्ट ने अष्टांग पद्धति और दूसरी इनकी किताब है आर्यभट्टीय ग्रंथ, इन दोनों ग्रंथों में इन्होंने खगोल विद्या का जिक्र किया है। काल, खगोल, जितने हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, एस्ट्रोनॉमी का वन ऑफ द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी जहां पढ़ाई जाती है, जो फिजिक्स वाले पढ़ते हैं वो मॉडर्न साइंस की बात करते हैं। अब क्या हो रहा है, UGC का आदेश है कि आर्यभट्ट को इंट्रोड्यूस करो, कराया जा रहा है। तो ये आर्यभट्ट ने ये जो अष्टांग पद्धति और आर्यभट्टीय ग्रंथ शास्त्र लिखा था 2600 वर्ष पूर्व, 2600 वर्ष पूर्व। वैशेषिक जो दर्शन के लोग होंगे, इसके वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे कणाद। तो कणाद क्या थे, कणाद की जीवनी, मतलब एक एक दिन का वो सब हो रहा, इस पर तो बड़ी चर्चा होती है। लेकिन कणाद जो थे एटॉमिक एनर्जी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एटॉमिक परमाणु विज्ञान के, एटम के, उन्होंने चिदाण की बातें कही है पूरा का पूरा। तो कणाद ने परमाणु सिद्धांत के बारे में जानकारी, तो वैशेषिक दर्शन के जो पढ़ने वाले लोग हैं, जब आप रिसर्च करें तो वैशेषिक दर्शन के साथ आप अणु और परमाणु और उनके साथ जुड़िए विषय सिद्धांत की जान। इसी तरह से विमान शास्त्र के निर्माता महर्षि भारद्वाज, जिनका जिक्र आया है प्रयागराज के पास ही, भारद्वाज जो रामायण में आता है, सुना होगा आपने। भारद्वाज का ग्रंथ है यंत्र सर्वस्य, यंत्र सर्वस्य एक पुस्तक है इनकी, एक है अंशबोधनी। अंशबोधनी पुस्तक जो है ये आपके बड़ौदा यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। इसकी बहुत पहले आप लोगों को नहीं पता होगा, विज्ञान में हिग्स बोसॉन और जो है वो गॉड पार्टिकल्स की बड़ी सारी चर्चा, इसकी सबसे पहले चर्चा भारद्वाज ने अपने पुस्तक में कर दिया। तो इनकी यंत्र सर्वस्य अंशबोधनी और विमान शास्त्रम भी इनका एक ग्रंथ है, इन्होंने लिखा। इसी तरह से 5000 वर्ष पूर्व
सांख्य शास्त्र के प्रणेता महर्षि कपिल, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, ध्यान रखिएगा, सांख्य शास्त्र के तो थे ही, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी थे और भौतिक शास्त्री भी थे, फिजिक्स के। इन्होंने भौतिक विज्ञान पर एक ग्रंथ लिखा था, षष्ठी तंत्र, सुना होगा आपने। हाँ, सांख्य शास्त्र के तो थे ही महर्षि कपिल, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, बहुत बड़े ये भौतिक शास्त्री भी थे, फिजिक्स के थे। हाँ, नहीं वो तो उनमें तो और कई लोगों ने टीका वो करके किया है, मूल ग्रंथ इनका ये है षष्ठी तंत्र, जो फिजिक्स के बारे में जानकारी पूरी है ब्रह्मांड के, और पूरा इसमें इन्होंने पूरा का पूरा भौतिक शास्त्र का ब्रह्मांड के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने सुना होगा महाराजा विक्रमादित्य का, उज्जैन का है, उज्जैन महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में उनमें नौ रत्न में एक थे, बहुत बड़े थे, उनका नाम था बराह मिहिर। ज्यादा समय खैर नहीं, भोज का शासन जो विक्रम गुप्त काल का जो पीरियड है आपका, उसमें इन्होंने पुस्तक लिखी है बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, नक्षत्र प्राणी शास्त्र। अब आप देखिए, जो मैं बात कर रहा, मैं सूचना ही दे रहा हूं, मैं इनकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, केवल आपको शोध की बात होने जा रही है, तो आप इस दृष्टि से भी अपनी दृष्टि जोड़िए कि हम इस विषय के हैं। तो अब ये देखिए, जैसे कपिल, महर्षि कपिल सांख्य के हो गए, मनोवैज्ञानिक भी हो गए, उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में जितनी बात कही शायद दुनिया में किसी ने नहीं कहा है, मनुष्य का व्यवहार कैसे होता है, सत्य चित और जो है ये आपका कफ वात पित्त, ये महर्षि कपिल का ही है, और भौतिक शास्त्री भी है। हमारे यहाँ क्या है कि जो आर्ट डिसिप्लिन में है तो कहता है फिजिक्स हम थोड़ी पढ़ेंगे, इसीलिए अब आपके यूजीसी ने ध्यान दिया होगा, ये जो नई शिक्षा नीति आई है ना, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिस्ट, कि संस्कृत वाला भी फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स वाला भी संस्कृत पढ़े, फिजिक्स वाला भी संगीत पढ़े, संगीत वाला भी इतिहास पढ़े। तो ये जो एकाएक जो नीति की आई है ना, इस पर काम 8-10 साल से चल रहा था कि कैसे कैसे चीजों को जोड़ना है। कस्तूरी रंजन का एक बड़ा वो था, तो आप हमारे डीसीओं को देख रहे हैं ना, न केवल हम संस्कृत, मतलब केवल संस्कृत के ज्ञाता नहीं है, कितने विषयों के साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बराह मिहिर का है, बराह मिहिर जो है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, नक्षत्र प्राणी शास्त्र। तो बराह मिहिर जो है ब्रह्मांड के भी बारे में, प्राणी शास्त्र के, इसका मतलब क्या हुआ, बॉटनी के भी विशेषज्ञ हो गए, प्राणी शास्त्र जो लिखा किताब इन्होंने। इसी तरह से बैटरी के बारे में बात किया जाता है, डेनियल को माना जाता है वेस्टर्न में, लेकिन बैटरी के आविष्कार हमारे अगस्त ऋषि थे, अगस्त संहिता में पूरा का पूरा जिक्र आता है उनके श्लोकों से, और इनकी किताब है अगस्त संहिता, इसमें इन्होंने विद्युत बैटरी का पूरा वर्णन किया है अपने मंत्र श्लोकों के माध्यम से, और क्रेडिट किसको दी गई, डेनियल। इसी तरह से आप सुने होंगे कि अभी दिवाली के पहले वो मनाया जाता है ना धनतेरस, तो धनतेरस का सही जो है धनवंतरी का है, वो आयुर्विज्ञान के लिए स्वास्थ्य के संदर्भ में, हमने उसको व्यापार के साथ जोड़ करके जोड़ दिया कि बर्तन खरीदेगा, सोना खरीदेगा तो लक्ष्मी आए, अरे लक्ष्मी तब आएगी जब आप स्वस्थ रहेंगे, है आरोग्यम भवति मनसा वाचा कर्मणा, संयुक्त रूपेण है, स्वस्थ अगर स्वस्थ है तब लक्ष्मी का आप कर पाएंगे, नहीं तो लक्ष्मी का क्या, पैसा रहते हुए व्यक्ति अगर आरोग्य नहीं है तो सब बेकार है उसका। तो धनवंतरी जो है ये आयुर्विज्ञान के जनक थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ आयुर्विज्ञान। और टीका का जो आविष्कार है, जो ये टीका लगती है ना, आपने देखा होगा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सबसे पहले आविष्कार ये जो है धनवंतरी ने किया था, बाद में जेनर और इन सब के लिए कहा गया। अब ये सब विद्याएं पढ़ाई नहीं गई ना, भारतीय ज्ञान परंपरा बार बार कहा जा रहा है कि यही सबको लाइए आप इनको, और जहां जहां गलत है उनको ठीक करिए, उनको पठन पाठन में लाइए,
शल्य चिकित्सा सुना होगा, सर्जरी। शल्य चिकित्सा के जनक जो है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में सुश्रुत, और उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा। 124 ऑपरेटर्स का उन्होंने आविष्कार किया था, 124 प्रकार के औजारों का उल्लेख है। और आपको हैरानी होगी, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है मेलबर्न, मेलबर्न है जैसे ऑस्ट्रेलिया सिडनी है वैसे मेलबर्न है, मेलबर्न के मेडिकल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है उसके गेट पर जैसे आप एंट्री करेंगे वहां पर सुश्रुत की बहुत बड़ी स्टैचू लगी हुई है और नीचे लिखा है फादर ऑफ सर्जरी। भारत में कहीं नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। कभी जीवन में अगर आपको चांस मिले वहां तो देखिए, बहुत बड़ी स्टैचू है, ऑस्ट्रेलिया लिखा है फादर ऑफ सर्जरी। तो बहुत बड़े सर्जन थे ये, अब इन पर भी रिसर्च की जरूरत है। एक और हुए हैं बाघ भट्ट। बाघ भट्ट ने आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा है हृदयाष्टम, हृदयाष्टम। इसमें आहार विहार उपचार इन सब की चर्चा की गई है, हृदयाष्टम आयुर्वेद का ये ग्रंथ है। चरक का नाम सुना होगा, चरक संहिता। शिक्षा शास्त्र के इसमें ये कही है, मैं आपको बता दूं, चरक संहिता पढ़ेंगे सबसे ज्यादा अध्यापक के गुणों की चर्चा की गई और तुलना कह गया है कि हु इज अ टीचर, टीचर इज जस्ट लाइक ए पैथोलॉजिस्ट। ये चरक में बात चरक कह रहे हैं, पैथोलॉजिस्ट के जो गुण होते हैं, जो रक्त का रक्त की जांच इत्यादि करता है, तो अध्यापक है कह गुरु, गुरु कौन है, आचार्य। ये तो हमारी बड़ी सारी संहिताओं में चर्चा हो जाती है, उपनिषदों में मिलती है। चरक में जब जाएंगे आप तो आपको लगेगा कि जैसे वो रक्त के आधार पर आपके पता लगाता है आपके स्वास्थ्य का, तो अध्यापक आचार्य वो है जो शिष्य के मतलब इन सब चीजों के भाव स्वभाव आहार विचार व्यवहार के आधार पर उनके लक्षणों को जाने बताए। चरक संहिता। और इसमें आती है 200 ईसा पूर्व में एक महर्षि पतंजलि का आपने सुना होगा। महर्षि पतंजलि को केवल योग के ही प्रणेता मानते, ऐसा नहीं है। इनका एक सबसे प्रमुख ग्रंथ है लौह शास्त्रम, लौह शास्त्र। मुझे पढ़ने का मौका मिला और मुझे लगा कि जो मेटालिक एनर्जी है जो लौह शास्त्र का है, इतना बढ़िया है शायद दुनिया में कहीं नहीं था लौह शास्त्रम। तो भारत में लौह के अच्छे लौह के बारे में जानकारी भारत को पहले से ही थी। इसका प्रमाण आपका मेहरौली में जो लौह स्तंभ है, आप देख लीजिए कितने 100 साल हो गए अभी जंग नहीं लगा। तो इनकी योग प्रदीपिका जो वो अष्टांग जो पूरा का पूरा वो तो है ही है। अब देखिए हर ऋषि मिल रहे हैं दो दो तीन तीन विषयों के ज्ञाता, यही हो रहा है ना पूरा का पूरा। तो लौह शास्त्र के भी थे बहुत बड़े मेटालिक एनर्जी, उसके धातुओं का इसमें वर्ण मिलता है। नागार्जुन जो है रसायन विज्ञान के थे, केमिस्ट्री के, और इनकी पुस्तक है रस हृदयम, आरोग्य मंजरी, योग सार, योग अष्टक। ये कुछ किताबें हैं जो इन्होंने नागार्जुन ग्रंथ लिखा था। एक दो लास्ट में है, अभी लेटेस्ट जो है हम कहते हैं हवाई जहाज का जो है राइट ब्रदर्स ने खोज किया जो 1939 में मतलब उसमें, लेकिन उससे पहले 1797 में 1779 में एक महाराष्ट्रियन थे शिवकर, बापूजी तलपड़े। ये बकायदा लिखित दस्तावेज है, मैं तो जहां से कुछ नोट किया हूं तो ये सब ग्रंथों के। इन्होंने बंबई में एक जगह है चौपाटी, वहां पर इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के जज और लोगों को बुलाया था कि देखने के लिए कि ये जहाज चौपाटी के साथ सबसे पहले 1779 में बापूजी तलपड़े ने मानव रहित विमान को उड़ाया था। बाद में चलकर क्या हुआ और इंजन के बारे में उन्होंने जानकारी दी। विमान जब इनसे पूछा गया कि आपने किस आधार पर, इन्होंने कहा भारतवर्ष की जो विमान शास्त्रिका है, विमान शास्त्र उसको पढ़ करके मैंने, और फिर इन्होंने भी विमान शास्त्रिका पुस्तक की रचना की, सबसे लेटेस्ट किताब इनकी है। आइस का इन्वेंशन, जो बर्फ का आविष्कार है, हम कहते हैं जहां बर्फ पड़ती है वहां, ऐसा नहीं, भारत ने बर्फ का, वो लोग तो आइस क्यूब बनाना तो जानते थे, वो
बर्फ जहां पड़ती है तो बर्फ बनाना नहीं सीखी, बर्फ का आविष्कार भारत ने ही किया। इसके बड़े सारे प्रमाण जो है हर्षवर्धन काल में हमें मिले हैं, प्रयागराज के आसपास जो है खुदाई में इसके वो मिले हैं। तो इस तरह से विज्ञान की एक समृद्ध परंपरा रही है, थोड़ी सी विज्ञान की रही। हम संत परंपरा में अगर आ जाए थोड़ा सा, ये भी जो साहित्य के लोग होंगे, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, संत परंपरा के हमारे आराध्य हैं शंकराचार्य, पता होगा चारों मठ, कर्नाटक में बसवेश्वर जी अगर जो है भक्ति मार्ग के लिए वो बात किए, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर हुए हैं, इनकी एक पुस्तक है ज्ञानेश्वरी, मराठी में लिखित है और ये शोध का विषय है, शोध करने के लिए। बंगाल के थे चैतन्य महाप्रभु, नाम सुना होगा, कृष्ण भक्त थे। बाकी संत कबीर का जो है रमैनी शब्द साखी, पता होगा ये सब आपको। सौराष्ट्र जो गुजरात के पास है सौराष्ट्र, वहां नरसिंह मेहता हुए थे, नरसिंह मेहता जी हुए थे। बाकी और बड़े सारे संत और उनके बाद में चल के सुनता हूँ, उसके लिए हमारा यहाँ बताने का उद्देश्य है कि विषयों के साथ इनको तुलनात्मक अध्ययन आप लोग करिए, तब भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत सारे अछूते या जो चीजें छिपी हुई है बाहर निकल के आएंगी। दयानंद, अरविंद, स्वामी विवेकानंद, गांधी, बड़ी लंबी है। गुरुओं की परंपरा में आप आइए, गुरु नानक से लेकर के एक लंबी उछलती है पूरी की पूरी। बाकी संस्कृत जगत में जिसके हम लोग उपासक हैं, साधक हैं, भारतीय ये तो आत्मा ही है इसमें। और आप सबको पता होगा कि कालिदास, जितने भी मतलब कहने की जरूरत नहीं है, भर्तृहरि ने जो है त्रय शतकम की बात कही, वाक्य प्रदीयम पर है, रिसर्च तो किया जाता है, लेकिन इनका मनोवैज्ञानिक मैंने देखा अध्ययन नहीं हुआ है। इसी तरह से बाणभट्ट की कादंबरी चंडी शतकम, ग्रंथ का तो अनुशीलन परशीलन हो जाता है, लेकिन ग्रंथ की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, इस पर चर्चा, इस पर रिसर्च, ये सब करने की जरूरत है। चंडी का काव्य दर साहित्य वाले जो होंगे, माघ का शिष्यपाल ग्रंथ परशील ये तो हो रहा है हमारे संस्कृत, लेकिन उसके प्रभाव का, उसका और विषयों के साथ कैसे तुलना, ये कहां अध्ययन हो रहा है। तो हमें इधर पढ़ने की जरूरत है, यही भारतीय गुप्त काल के आचार्यों में आइए, विष्णु शर्मा, नाम सुना होगा आपने, 80 साल के थे शिक्षक, और इन्होंने जो राजा था जो है राम सिंह को समय ध्यान आ रही, पंचतंत्र पुस्तक, राजा के बिगड़ाए बच्चों को सुधार आए हुए पंचतंत्र। एक ऋषि हुए कामंदक नीति सार है। इस तरह से बड़ी सारी, और हमारे यहाँ बड़े सारे 34 विद्याओं की लगभग वो है, अभी इन पर काम होना बाकी है, जो शिक्षा के ग्रंथ उपलब्ध है। पाणिनी शिक्षा, पाणिनी व्याकरण पर काम हो रहा है, पाणिनी शिक्षा पर काम नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए। पाणिनी शिक्षा में कैसे कैसे गणित के सूत्र और बीज गणित के ट्रिग्नोमेट्री और इन पर काम नहीं होता, तो पाणिनी शिक्षा, नारदीय शिक्षा जो गायन संपर्क है, याग वल्यक शिक्षा, व्यास शिक्षा, पराशरी शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, कात्यानी शिक्षा आदि, इन शिक्षाओं पर काम होने कार्य होने की आप लोगों को सोचने की जरूरत है। हम बार बार कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में 64 कलाएं थी, कला का यह था डिसिप्लिन थे। अभी तक भारत में मैं BHU का पढ़ा हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, मेरे जिस समय हम थे वहां पर 80 और 90 के दशक था, 80 के दशक में लगभग 37 डिसिप्लिन थी, 37 विषय बहुत होते हैं, अब कुछ बढ़े। पूरे भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में 64 विषय किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाए जा रहे, ये 64 कलाएं 64 डिसिप्लिन थी सर। हम इनका इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, एक एक विषय के अपने अपने उस पे, तो इन पर हमें शोध की जरूरत है। और ऋषि गणों का आप प्राचीन विश्वविद्यालयों का आप लोग सब नाम सुना होगा, वो सब करने की बात, मैं थोड़ी सी भाषा की यात्रा है, द जर्नी ऑफ लैंग्वेज की बात कर लूँ संस्कृत का, इस पर हमने काम कराया, लगभग 5000 शब्दों को हमने कलेक्शन मतलब करवाया था अपने रिसर्च स्कॉलर से, कि हम बात करते हैं फ्रेंच, जर्मन, जितने भी फॉरेन लैंग्वेजेज हैं,
उनमें देखा गया कि 57 लैंग्वेजेस जो हमने रिसर्च कराया, 57 लैंग्वेजेस में जो है हमारे संस्कृत के शब्द हैं। उसमें अरबिक, इसके कारण अरबिक को पढ़ने का मौका मिला, पढ़ा, फ्रेंच को थोड़ा बहुत पढ़ा, और इसके बाद आपका ग्रीक पढ़े, तो उसमें संस्कृत का मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग जानते भी होंगे, उधर समय यहाँ नहीं है, ये केवल मैं आपको सूचना दे रहा हूँ एक ढंग से कि आप इस तरफ भी सोचिए। परिशीलन जो केवल ग्रंथ का आप वो कर लेते हैं, अब वो समय नहीं है। नीति भी यही कह रही, यूजीसी भी यही कह रहा है, और भारतीय ज्ञान परंपरा जब तक आप जितने चीजें जो सोई हुई हैं उनको जगाएंगे नहीं शोध के माध्यम से, तब तक शोध बेकार, ये कहने की बात। उसमें दो तीन जो कहते हैं, आप देख रहे हैं उदाहरण में, शून्य शब्द है, शून्य, शून्य संस्कृत हम, यही शून्य जब हमारे यहाँ आपको पता होगा हजारों साल तक हम गुलाम रहे, विदेशी यात्री आए हैं बहुत सारे इतिहास में कालखंड, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुलों में नालंदा विक्रमशिला सब में आए, और उन्होंने लिखा, उनके जो एविडेंस है उनके जो प्रमाण है उसके आधार पर शून्य जैसे अरब देश में पहुंचा, अरब देश में कैसे पहुंचा, जो यहां से अरब में गया अरबिक लोग जो आए, तो यही शून्य जा करके अरब में वहां पर जो है ये सिफर हो गया, सिफर, और अरबिक जैसे ग्रीक में प्रवेश किए, मनुष्य यात्रा, मनुष्य चलायमान प्राणी है ना, यात्रा करता है, तो भाषा की भी यात्रा होती है, ध्यान रखिएगा। हमारी संस्कृत कैसे जा रही है देशों में और कैसे उन विषयों के साथ जुड़ी, भारत से शून्य चली, अरब में पहुंची सिफर, और जैसे अरब से ग्रीक यूनान पहुंची वहां जीफर हो गई, और ग्रीक से जैसे यूरोप में टर्न हुई है, यूरोपियन, यूरोप के देश जितने हैं आप, वहां पर जीरो हो गया। तो जीरो का जो खानदान है, कुल खानदान है, जो डीएनए आरएनए है, वो शून्य है। अब ये पढ़ाने की जो इस पर आप रिसर्च करिए ना, जो वो संस्कृत के लोग हैं, तब लोगों को पता चलेगा। हजारों शब्दों को लीजिए, खोजिए, लेकिन इनके लिए उन देशों की भाषाएं भी पढ़नी पड़ेगी, नहीं मतलब नहीं तब तो फिर वो संकलन मात्र हो जाए। इसी तरह से मातृ शब्द है, मातृ जैसे अरब जाती है तो अरबिक मातृ का जो है मादर शब्द है, अभी भी लोग अपभ्रंश में गाली गलौज में मादर शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो आज भी जानिए कि मादर ये जो है अरबिक शब्द है, मातृ संस्कृत है, मादर अरबिक हो गया, जैसे ग्रीक में जा रही मानेर हो गया, और जैसे यूरोप में आ रही मदर। मैं तो एक, एक, एक दो एग्जाम्पल है वैसे आप दे रहा, पितृ शब्द है, पित जैसे अरब में जा रहे हैं पिदर हो गई है ना, आगे बढ़ रही है, फिर आगे बढ़ते जाए पढ़ती जा रही है पीटर हो गई, और ग्रीक में पीटर, आप लोग कभी देखते होंगे दिल्ली में पीटर इंग्लैंड, ध्यान रखिएगा पीटर इंग्लैंड जूता बड़ा मशहूर है, दुकान है, पीटर आया, पीटर दैट इज ए पितृ है, जैसे हम कहते हैं फलासंस, नाम देते हैं कि नहीं, संस मतलब कंपनी बनी है, तो पीटर का मतलब है कि जो बनाया है वो पितृ भक्त है, पितृ पीदर पीटर, और फिर क्या आ गया पादर, ऐसे 5000 शब्दों पर काम कराया था कई साल पहले। ये लगा कि संस्कृत केवल मतलब बदल तो संस्कृतम, चल तो संस्कृतम, गायन तो संस्कृत, संस्कृतम, इससे संस्कृत नहीं चलेगा, संस्कृत है शोध से जब तक शब्द नहीं निकालेंगे, समझ रहे, संस्कृत के ये है कि जब आप संस्कृत न जानने वालों को नई चीज बताएंगे तब आपकी गरिमा, तब आपकी ग्रेविटी बढ़ेगी, केवल बोलने से नहीं चलता है, बोलना हमें नहीं कर रहा हूं कि वो है, हम कहते हैं ना सत्यम वद, तो जो सुन रहा है वो भी कहता है सत्यम वद, लेकिन जो बोल रहा है ना हम सत्यम वद और जो सुन रहा है ना सत्यम वद, सत्यम चलत सर्वत्र रूपेण, शब्द रूपेण, अर्थ रूपेण, व्यवहार रूपेण, सब ये बड़ा जरूरी है। यही शोध का भारतीय परंपरा का है कि हम कैसे लाएं इसको व्यवहार में, कार्य में, विचार में, आचरण में, आदत में, शिक्षण अधिगम में, रिसर्च में कैसे लाएं, ये कुछ है
विश्व की हो रही है। बाकी हमारी मूर्ति कला है, शिल्प कला है, आयुर्वेद है, धनुर्विद्या है, बहुत सारे हैं, मैं उन पे नहीं जा रहा हूँ। नाट्य शास्त्र है, नाटक को तो पंचम वेद वो भी कहा गया है पूरा का पूरा। गीत गायन की जो है पूरा का पूरा, तो ये सब हमें आपको थोड़ा सा ये विषयांतर बातें हैं, ये हमारे चूंकि भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा यह है कि हमारा गीत गायन संगीत नृत्य नाटक कहानी विज्ञान वनस्पति जितने विषय हैं धर्म शास्त्र से लेकर अर्थशास्त्र लेकर इनमें जो भारतीयों ने हम माल्थस को अर्थशास्त्र शुरू करते हैं तो माल्थस की थ्योरी शुरू कर देते हैं, चाणक्य की बात नहीं करते हैं। हम MBA के कोर्स में एक दो बार बहुत पहले लेक्चर का मौका मिला, जो है MBA के कार्यक्रम होते हैं वहां पर वो पूरा का पूरा ह्यूमन SRD की बात करते हैं, गीता से शुरू नहीं करते हैं, अब शुरू कर दिया है गीता से, क्योंकि गीता का जो पूरा का पूरा है वो सबसे बड़ा जो है आपका MBA का शास्त्र है, खैर हर विषयों का है। तो ये सब विषयों को आप अपने शोध में जब लाएंगे, आप जोड़ेंगे, तब भारतीय ज्ञान परंपरा जीवंत होगी, तब विश्व गुरु बन पाएंगे। केवल वो ग्रंथ को मतलब पढ़ करके रिसर्च कर दिया तो परशीलम अनुशीलम तक हो गया, वही अब वो नहीं चल पाया। अब ये मैं थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं सूचना के रूप में केवल आपको बहुत सारी चीजें हैं इसमें बताने के, लेकिन अब आ रहा हूँ जो PPT बनी है। यहाँ पर उद्देश्य हमारा आपको केवल यही बताना है कि शोध क्या है, रिसर्च क्या है भारतीय परंपरा में, ध्यान रखिएगा भारतीय ज्ञान परंपरा में। गवेषणा बड़े सारे पर्याय शब्द प्रयोग करते हैं, अनुशीलन परिशीलन, ये क्या है और भारतीय परंपरा में किस ऋषि ने कहां से शोध की बात सबसे पहले की, जो शास्त्रार्थ परंपरा हमारी वेद में वाको वाक है ना आपका, तो कहां से शुरू हुआ, तो वैसी इसी पर थोड़ी सी बात आप लोग यहां देख लीजिए। अब जो बताने जा रहे हैं ये तो मतलब जैसे कहते हैं ना टाइप कटिंग पेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन इनमें आप लोग कुछ पूछेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। ये आपका ध्यान दीजिए मीनिंग कहां गए भाई, वो तो और हाँ ये देखिए सूरज है यहाँ पर, इसमें तो आ रहा है वहां नहीं जा रहा है, इसलिए अब चूंकि बना हुआ है जिसे दिखा दे मैं तो बोल सकता हूँ आपको, आप लोग देख भी लेंगे, ये उस पे नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है, ये शब्द आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने तो सुन लीजिए और लाइन लिख लीजिए, टेक्नोलॉजी इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। प्रौद्योगिकी जो है एक अच्छा सेवक तो है लेकिन एक बहुत बैड मास्टर है, आय मौके धोखा दे देता, अब भाई ये वो नहीं जा रहा है, अब तुम यही रहो। लिंक वही चल रहा है, मुझे लगा सर आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, मैं बाहर खड़ा देख रहा हूं। नहीं 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 मैं तो अभी भूमिका बांधा हूं, असली प्रेजेंटेशन तो अब है कि शोध जिसके लिए आए हैं ये बताना है। देखिए ये चलता रहेगा, आ जाएगा तो देख लीजिएगा। शोध के बारे में जब बात करते हैं, बड़ा कॉमन शब्द है शोध अनुसंधान, आप लोग संस्कृत के विज्ञ हैं सब जानते होंगे, एक धातु शुद्ध धातु है और शुद्ध धातु में घ्च प्रत्यय जब आप करते हैं
निष्पन्न होता है सुधार से, तो शोध की उत्पत्ति शोध की निष्पत्ति होती है, ऐसा मतलब शाब्दिक अर्थ, मतलब शाब्दिक ने ये कही है कि इसका एक है, इसका अर्थ क्या हुआ? शोध शुद्धि से बना है, तो शुद्धि का अर्थ होता है शुद्ध करना, प्योर, स्वच्छ करना, सवारना। अगर कोई इन समय देखिए एक शब्द निहित है कि कोई चीज कमी है उसको आप ठीक कर रहे हैं, कपड़ा गंदा है उसको धोएंगे तो साफ हो जाएगा, जल छिड़केंगे, पूजा पाठ है, आप संध्या करने जा रहे हैं तो कहते हैं शुद्धि कर लीजिए, पैर धो लीजिए, इसका मतलब कहीं कोई चीज की कमी है या उसमें कोई नयापन लाना है, आपको कोई नयापन लाना है, जो पहले से है वो नहीं, उस पहले से कुछ बदलाव करना है आपको, वर्तमान स्थिति के लाना है, तो हमारे शोध में, शोध की आत्मा में शुद्धि भाव है, ध्यान रखिए, शुद्ध करना, विचार करना, संवारना, ये इतिहास है, इसी के संदर्भ में कमियों को दूर करना। कोई वस्तु है, कोई विचार है, कोई भाव है, कोई आइडियाज है, उस वस्तु को अपने वास्तविक स्वरूप में विचार करने लगेंगे, ध्यान रखिएगा, तो वो शोध के साथ जुड़ना, जब तक शोध के साथ, जब तक आप नहीं किसी चीज को जुड़े हैं वहां प्रमाण दे रहे हैं, तो उसके वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित करना, अपने उसके मूल स्वरूप को जागृत करना, ये शोध के साथ से जुड़ा। तरह से एक शब्द है अनुसंधान, सब पर्याय है इसके, अनुसंधान। तो अनुसंधान में आप यहां देखिए, मैंने यहां लिखा है थोड़ा सा रिसर्च शब्द, दिखाई दे रहा है सबको, रिसर्च शब्द जो है कुछ टाइपिंग में गलत हो सकता है, मैं क्लियर कर दूंगा, द वर्ड रिसर्च कम्स फ्रॉम ऋषि, ऋषि जब कहते हैं तो ऋषि से ही रिसर्च आया है, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट भारतीय संदर्भ में इसके बहुत सारे पर्याय मिलते हैं। देखिए मैंने अभी जो बताया आपको, शोध के शुद्ध है, धात्री, शोध का भी जो मैंने बताया, साफ करना, सवारना, कमियों को दूर करना, ये शब्द है शोध का। एक और शब्द है गवेषणा, गवेषणा, गवेषणा को भी आप लोग जानते होंगे, टू डिजायर, इच्छा करना, कोई कार्य करने की इच्छा करना, और इच्छा क्या है, जानने की इच्छा करना, टू नो समथिंग, तो ये गवेषणा, टू डिजायर, इन्वेस्टिगेशन, डिजायर फॉर काउ, तो हमारे ऋषि परंपरा में था टू इन्वेस्टिगेट, ये रिसर्च के टर्म्स हैं, कोई खोज करेंगे, कोई नई बात बताएंगे, ये गवेषणा है। इसकी तरह से फिर एक शब्द है संधान, संधान का जिक्र हमें धनुर्विद्या में मिलता है, महाभारत में मिलता है, रामायण में मिलता है, पता होगा आपको, संधान दैट इज संधान करना, इसी से उपसर्ग और प्रत्यय के साथ अनुसंधान के साथ जुड़ा है, संधान ये है, संधान धारण करने से है, धनुष की डोरी बाण से सावधानी से। फिर शब्द आता है अनुसंधान, संधान से अनुसंधान में क्या फर्क है, संधान में तो केवल धारण करना है, लेकिन बहुत सोच समझ करके धारण करना है, ध्यान रखिएगा, बहुत भली भांति उसको धारण करना है, धारण क्या करना है, जिस विचार की खोज करने जा रहे हैं आपको, जो लिखने जा रहे हैं आप शोध के संदर्भ में, तो वहां बहुत सोच समझ करके बातों को लिखना है, वही बात आप लिखेंगे जो आम जगह लिखा है तो आपके शोध है उसमें कोई अंतर नहीं, तो अनुसंधान। फिर एक और शब्द है अनुशीलन, अनुशीलन जो है कोई वस्तु है, प्राय हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे पानी में कोई चीज चली जाए उसको ढूंढ कर निकालें तो अनुशीलन कहलाता है, तो आपका जो शोध का कार्य है, जो विषय है ना, वो गहराई में है, उसको आप तरह तरह से ढूंढेंगे, वो अनुशीलन हो गया। फिर एक और शब्द है परिशीलन, परिशीलन का है परितः, चारों तरफ ढूंढना ये भी है, लेकिन चारों तरफ कहीं भी है निकालिए आप, तो ये परिशीलन हो गया। तो देखिए आप शोध के शुद्धि भाव, शुद्धि, शोध, संधान,
गवेषणा, अनुसंधान, अनुशीलन, परिशीलन, ये कोई नई बात नहीं, सब आप लोग जान रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो बातें हैं उनको आपको रिसर्च में लाना है, ये मेरा बताने का उद्देश्य यहाँ पर है। केवल अब है मीनिंग कंसेप्ट। अब देखिए शोध की अवधारणा क्या है, दो शब्द हमने अभी इसके पहले ज्ञान शब्द की बात आपसे किया था, हमने अभी ज्ञान शब्द कहा था ना, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान अनुभव है, ज्ञान तर्क है, ज्ञान विचार है, बड़ी सारी बात, अंत प्रेरणा है, बहुत सारे शब्द की बात कहे थे। जब शोध की अवधारणा के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च, तो इसमें है कि ज्ञान भी एक प्रकार का अनुसंधान है, नॉलेज इज ए रिसर्च, ज्ञान भी एक प्रकार का अनुसंधान है, लेकिन यह न तो रिसर्च है, री फिर गैप करिए, न तो यह रिसर्च है और न यह रिपीटेड सर्च है। ये दो शब्दों को आप हमेशा जीवन भर याद रखिएगा, अपने शोध करते समय, अनुसंधान करते समय। नॉलेज इट्सेल्फ अ रिसर्च, ज्ञान भी एक प्रकार का अनुसंधान है, लेकिन न तो यह रिसर्च है, एक साथ नहीं रिसर्च बोलना है, आर ई फिर गैप फिर सर्च, और न तो यह रिपीटेड सर्च है। रिपीटेड सर्च को बोलते हैं कि जैसे हम पुनरावृत्ति है शोध ही है। तो हम एक और शब्द का प्रयोग करते हैं आंग्ल भाषा में, एक शब्द है आपसे ही अब पूछेंगे, मुझे लगता है कि विषय से आप बोर हो रहे हैं शायद, है इसलिए डाइवर्ट कर रहा हूं मैं। एक शब्द हम प्रयोग करते हैं डिस्कवरी, चाहे तो नोट करते चलिए, आपको जवाब देना होगा। डिस्कवरी आप भी लिख लीजिए, डिस्कवरी। एक शब्द है क्रिएशन, क्रिएशन अंग्रेजी जो नहीं लिख पा रहे हैं मैं हिंदी भी बोल दूंगा, डिस्कवरी भी खोज करना है, क्रिएशन भी खोज ही करना होता है, सर्जन करना, क्रिएट करना। एक शब्द है इन्वेंशन, आविष्कार, डिस्कवरी डिस्कवर करना एक, क्रिएशन तीसरा, इन्वेंशन और चौथा है रिसर्च। अब हमने जो बातें बताई इनमें क्या अंतर है सब में बताइए, मैं सबकी हिंदी बता दे रहा हूं, डिस्कवर भी खोज करना, इन्वेंशन आविष्कार करना, आविष्कार वो भी खोज ही करना, क्रिएशन भी खोज करना दैट इज ए सृजन करना, और रिसर्च भी, क्या अंतर है? डिस्कवरी मतलब जो पुरानी चीजें वस्तु हैं जो हमारे सामने नहीं है उनको खोज कर लाना, जैसे हड़प्पा की सभ्यता थी एक डिस्कवरी, वो डिस्कवरी हुई क्योंकि इसकी हमने खोज की है कि हड़प्पा यहाँ पे पहले थी। और इन्वेंशन कोई चीज बना जैसे लाइट का आविष्कार हुआ, तो ये पहले थोड़ी था, ये भी तो जब हुआ होगा तो नए हुआ, ये जो पहली बार इसको खोजा गया है पहले नहीं ना था, बाद जो हड़प्पा वाला बताया वो भी तो पहली बार कहीं खुदाई हुई होगी, बता सही बता रहे हो, यही जानना चाह रहे हैं। और तीसरा क्रिएशन बोलिए भाई, पीछे वाले क्रिएशन, जन्म देना दैट इज ओरिजिनेट क्रिएट करना, क्रिएट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नो डाउट, क्रिएट का मतलब बनाना, निर्माण करना, सृजन करना, हिंदी में इसको सृजन बोलते हैं, क्रिएट, ब्रह्मा इज ए क्रिएटर ऑफ इनवर्स और रिसर्च। अब इन सब में अंतर है कि एक है, यही मैं जानना चाहता हूं, अंतर है तो कैसे और एक है तो कैसे? हाँ ठीक है, डिस्कवर में भी तो पहले से है, उसको भी खोज कर रहे हैं, तो
लोग इन्वेंशन करने मतलब इन्वेंशन करेंगे, आप लोग क्रिएट करेंगे, आप लोग जो है ये डिस्कवर करेंगे, या एक और शब्द है इन्वेस्टिगेशन, और फिर है रिसर्च, सबके साथ जुड़ी है जितनी, इसीलिए मैंने पहले भूमिकाएं बता दी थी ज्ञान परंपरा की। क्यों नहीं कर सकते? एलडी लाइट बन गई, आने वाले समय में सोलर बन गया, आने वाले में टच हो गया, वो तो चल रहा है सब में। देखिए सही बता रहे हो दिशा का। हाँ बोलो। अगर सब कॉमन है तो एक ही शब्द रिसर्च बोलते हैं, क्या जरूरत थी इतने शब्द गढ़ने की? नहीं सब देखिए सही है, मैं थोड़ा सा आप लोग जो आप बता रहे हैं उसको और क्लियर कर देता हूँ। जब हम डिस्कवरी की बात करते हैं, डिस्कवर की बात करते हैं, तो वो स्थान से संबंधित है, ओनली दैट इज एसोसिएटेड विद द प्लेस एक्स वाई जेड। डिस्कवर भी खोज करना है लेकिन स्थान से संबंधित है बस। जब हम क्रिएशन की बात करते हैं ना, तो क्रिएशन जो है वो आर्टिस्ट और जो लिटरेचर के होते हैं, साहित्यकार होते हैं, कलाकार होते हैं, वास्तुकार होते हैं, उनके हाथ में होता है। कालिदास अस्ति कश्चित वाक विशेष, कालिदास ने पूरा का पूरा लिख डाला, भूतो न भविष्य नहीं होंगे ना, शेक्सपियर भी अब नहीं होंगे। हिंदी में आइए आप जयशंकर प्रसाद कामायनी जो लिख दिया, ये क्रिएटर है कला, जो कला हमारे यहाँ नाटकेश तो पंचम वेद, नाटक जो है पंच पांचवा वेद है नाटक में जो है पूरा का पूरा, ये क्रिएट का काम, ये भी खोज करना है, ये भी शोध ही है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है? क्रिएशन में जो चीजें बनेंगी ना, वो दोबारा दूसरा नहीं उस तरह से बना पाएगा, ये है बस। तीसरा हमने कहा था एक है इन्वेंशन, इन्वेंशन केवल साइंटिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, वो मैटर और मैटेरियल का जहां आविष्कार होता है केवल वो जो है आपका इन्वेंशन है। कोई चीज जांच परख कर रहे, खोज कर रहे, इन्वेस्टिगेशन होगा। और रिसर्च की जब बात करते हैं तो वो शब्द आया देखिए ऊपर है री और सर्च। री का अर्थ होता है अंग्रेजी शब्द है पुनः पुनः पुनरपि बारम्बार, और सर्च माने होता है कि कोई नई चीज की खोज करना, यही तो है सर्च। तो दोनों जब मिला देते हैं तो किसी वैज्ञानिक तरीके से, जब कोई वैज्ञानिक तरीके का मतलब ये नहीं कि साहित्यकार संस्कृत वाले, वैज्ञानिक तरीका क्या होता है? वैज्ञानिक तरीका यह होता है कि आप जिस विषय के हैं, ज्योतिष है, न्याय के हैं, धर्म के हैं, वास्तु के हैं, जो बात आप लिखें प्रमाणिक लिखें, प्रमाण के साथ लिखेंगे तो वैज्ञानिक आधार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए लिखा गया है कि रिसर्च डील्स विथ द एप्लीकेशन, उस देखिए स्क्रीन पर देखिए आप, रिसर्च डील्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, इट इज अ डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप। शोध वह है जो वैज्ञानिक विधियों को, वैज्ञानिक विधि का अनुप्रयोग है। अब वैज्ञानिक विधि क्या है? कि जो भी आप लिखेंगे, जो भी खोज करेंगे प्रमाण के साथ, हमने ये चीज लिखा कहां से मिला, किस ग्रंथ से मिला, किस ऋषि ने, किस वर्ष का है, किस लिपि का है, ब्राह्मी का है, खरोष्टी का है ना, पांडुलिपि शास्त्र में सब जैसे खारवेल का वो सब पढ़ते हैं आप सब, है ना कि नहीं, और गुप्तकालीन लिपि है आपका, मौर्यकालीन लिपि है, तो प्रमाण जब देंगे तो वे साइंटिफिक मेथड हो जाएगा। ये रिसर्च की बात है और आज की बात नहीं, ये ऋषियों के समय से चल रहा है, ऋषियों ने ऐसे नहीं बात कही है, ऋषियों दृष्टा मंत्र, इन्होंने मंत्रों को देखा है, अनुभव किया है, हम लोग तो केवल देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये रिसर्च है और मैंने आपको ये बता दिया कि नॉलेज आल्सो इटसेल्फ। इसके बाद अब आइए रिसर्च का एब्रीविएशन क्या है, ये तो मॉडर्न उसमें है, भारतीय परंपरा में नहीं, लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए, हिंदी तो कम से कम जान लीजिए इसकी। आप जब तक पीएचडी आपको अवार्ड नहीं होगी तब तक पालन करिएगा कि ये हमारे अंदर गुण है कि नहीं, हम जो ये काम कर रहे हैं इस तरह से कर रहे हैं कि नहीं,
भक्तुं सकुणोमि नास्ति, कार्य रूपेण अपने कार्य में कैसे लाएंगे। तो देखिए रिसर्च में कितने शब्द हैं, ये आपके रिसर्च में आर जो है रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, आप अपने पर लाइए। अब इसी से रिसर्चर के क्या गुण होने चाहिए इससे पता लग जाएगा। रिसर्च के अब्रिविएशन है, ये मॉडर्न है, भारतीय ज्ञान परंपरा से नहीं लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा से भी जुड़ा रहा है। रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग को कहते हैं जब आप चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो उसमें रेशनैलिटी होनी चाहिए। रेशनैलिटी का अर्थ होता है तार्किक होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए। ऐसे नहीं आप बोल दिए, जैसे आपके और सामान्य व्यक्ति के बोलने में चिंतन में अंतर होना चाहिए, आप जो बोलेंगे प्रमाण के साथ। तो यह हुआ रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। शोध जब आप करेंगे तो शोध के विषय के बारे में जब चिंतन मनन करेंगे तो उसमें आपको क्या होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए। ऐसा क्यों है, कैसे है, क्यों हम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये बड़े सारे प्रश्न हैं। जैसे वो कठोपनिषद में नचिकेता का यम के साथ चल रहा है, कितना प्रश्न कर रहा है, प्रश्नोपनिषद में आइए आप लोग। तो रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, अगर रिसर्चर में रेशनलिटी नहीं है तो उसका रिसर्च करना बेकार है। फिर तो वो तो फिर लेख लिख रहा है, बस लेख लिख करके हस्ताक्षर करा करके सबमिट कर डिग्री ले ले रहा है। रेशनल वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। सेकंड है ई स्टैंड फॉर एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। एक्सपर्ट का यह है कि जिस विषय को आपने लिया है उसमें कुछ तो आप पारंगत होइए, कि पूरे के पूरे अपने सुपरवाइजर के ही कंधे पर आप बंदूक चलाएंगे। प्राय होता है ना, मान लीजिए जिसके अंदर में आप गए और आप न्याय शास्त्र में जो भी है उस विषय में आपकी पकड़ ढीली है तो आप तो डिपेंड हो गए। तो पराधीन सपने, हाँ याद रखिएगा, रिसर्चर को स्वप्न देखना चाहिए, वर्तमान अतीत और भविष्य का, तीनों का। तो ये हो गया एक्सपर्ट एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, नहीं पहले था एक्सपर्ट एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट को कहते हैं। ये टर्म जो है, ट्रीटमेंट का मतलब उपचार नहीं है, यहां से अगर इसको लेते हैं तो जो आपने समस्या लिया है उसमें जो कमियां है, अभी शोध के बारे में बात हो रही थी, शुद्ध करना, कमियों को दूर करना, उसमें जो पहले से लिखा गया उसमें क्या नई चीज आप डाल करके तैयार कर रहे हैं, दैट इज ए ट्रीटमेंट। तीसरा है यस फॉर सर्च फॉर सॉल्यूशन। हमेशा शोध किया जाता है समाधान के लिए, और शोध हमने देखा है, मैं तो आपके इसी विश्वविद्यालय के बहुत पहले कई रिसर्च की कमेटी में रहा हूं आप लोगों का वहां, तो मैं ये देखता था बराबर कि सब कुछ शोध में हो रहा था, शोध नहीं हो रहा, जब आते थे बैठते थे देखते थे, चूंकि एक एनालिटिक व्यू से मैं बात कर रहा हूं, सब कुछ होता था लेकिन शोध नहीं दिखाई देता था उसमें। कारण वही था कि हम देखते थे प्रॉब्लम जो है, जो समस्या है शोध की ना, वो थेसिस में समस्या ही रह जाती थी, समाधान नहीं दिखाई देता। शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है, जब तक आपको सोल्यूशन न दीजिए, समाधान न दीजिए। डॉक्टर वह है जो बीमारी का समाधान दे, वकील वह है जो आपके केस का समाधान दे, है कि नहीं। अध्यापक आचार्य वह है कि विद्यार्थी की कोई कठिनाई है उसका समाधान दे। तो रिसर्चर का काम क्या है, रिसर्चर का काम है जिस विषय को आपने लिया है, जो पहले से सर्च की हुई चीजें हैं, जो कमियां हैं उनको दूर करके समाधान दीजिए। तो यह है आपका सर्च फॉर सॉल्यूशन। फिर है ई फॉर एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस बड़ा माइन्यूटली वर्ड है, एक शब्द होता है कंप्लीटनेस और एक है एग्जैक्टनेस। पूर्ण कर कोई चीज पूर्णता है तो कंप्लीटनेस हो जाती है, और पूर्णता अगर बिल्कुल सार्थकता के साथ है ना तो एग्जैक्टनेस हो, उसमें कोई इंच और उसका फर्क नहीं होता। तो रिसर्च आपका नपा तुला होना चाहिए। होता क्या है कि जो जरूरी की चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, उसको हम कम लिखते हैं, जो अनावश्यक चीजें हैं बहुत भर देते हैं। यहां पर है एग्जैक्टनेस। इंग्लिश लिटरेचर में एक हुए हैं बेकन, बेकन इज ए पोएट हुए हैं, ऑथर है,
उन्होंने इसी एग्जैक्टनेस के लिखा है, रीडिंग मेक्स माइंड परफेक्ट। हमारे यहाँ ना स्वाध्याय न प्रमद कहा गया ना, स्वाध्याय प्रमाद नहीं। बेकन कह रहे हैं, बेकन बात के हैं, रीडिंग मेक्स माइंड परफेक्ट, स्वाध्याय पठन जो है पढ़ना मनुष्य को पूर्ण बनाती है, राइटिंग मेक्स एग्जैक्टनेस। आप जब लिखेंगे तब पता चलेगा कि आप पॉजिटिव सोचने वाले हैं कि निगेटिव वाले हैं, आपकी विचारधारा क्या। लिखते हैं ना जब हम, ये कंप्यूटर वाला लेखन नहीं है, जब कोई लेख लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो आपके व्यक्तित्व की झलक उसमें दिखाई देती है। तो शोध में भी एग्जैक्टनेस होनी चाहिए। हमारी बात को पकड़ रहे हैं कि नहीं आप, ध्यान रखिएगा कितना, देखिए इसमें मीनिंग है सब में। और यही गुण रिसर्चर को अपनाना चाहिए कि आप जो शोध जिस विषय में कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टनेस होनी चाहिए। कंप्लीटनेस तो कंप्लीट कर दिए आपने, तो कंप्लीट हो गया, जमा कर दिए, साइन हो गया, प्री सबमिशन हो गया, वाइवा हो गया, लेकिन शोध आपके एग्जैक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सेट पैटर्न पे है कि नहीं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ए पार एनालिसिस ऑफ डेटा। ये इसका ज्यादा जिक्र होता है शिक्षा शास्त्रियों के लिए, या जो मुझे लगता है कि ज्योतिष में जो वास्तु जो गणितीय वाले में होंगे उनके लिए तो हो सकता है, बाकी तो एनालिसिस ऑफ डेटा को कहते हैं जो दत्त संकलन है उसका विश्लेषण करना, जहां से आपने सूचना एकत्र की है उनका विश्लेषण अपने ढंग से करिए। आर जो है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, जो भी तथ्य है उनका संबंध क्या है। अभी जितनी बातें मैंने बताई है मनोविज्ञान का भौतिक विज्ञान के साथ, संगीत का वास्तुशास्त्र के साथ, इतिहास का अर्थशास्त्र के साथ, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट। तो शोध में जब आप अपने विषय से परे दूसरे विषयों के साथ भी कुछ चीजों को जोड़ेंगे तब उसमें नयापन आएगा, पढ़ने वाला जहां जाएगा पता चलेगा उसका। तो ये है रिलेशनशिप। सी के चार ओ है, सी स्टैंड्स फॉर, आप यहां देखिए, केयरफुल रिकॉर्डिंग। यहां रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आप नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पुस्तकालय में बैठ करके जिन ग्रंथों का परिशीलन कर रहे हैं सावधानी पूर्वक करिए, दैट इज रिकॉर्डिंग। क्लियर, सावधानी पूर्वक, असावधानी पूर्वक नहीं, लिख करके गए कुछ चीज छूट गई फिर दूसरे साथ उसको जो है, तो केयरफुल रीडर। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ये होता है कि जो भी ग्रंथ आप देख रहे हैं आपका समीक्षात्मक पूर्ण से अवलोकन होना चाहिए। अवलोकन ग्रंथों का करते हैं कि नहीं करते हैं, अलग अलग ग्रंथों का समीक्षात्मक पूर्ण होना चाहिए, समीक्षात्मक आलोचनात्मक पूर्ण होना चाहिए। एज इट इज जो कहा गया वो तो है ही है, आप क्या सोच रहे हैं, क्यों है ऐसा, कैसे है, किस तरह से है, तो ये क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, एटीट्यूड मानव व्यवहार में होता है, समझ गए, आपकी अभिवृत्ति क्या है, आपकी रचनात्मक होनी चाहिए। कोई चीज आप, दो चीजें होती है मनुष्य के व्यवहार में, एक विध्वंसक होता है एक रचनात्मक होता है। विध्वंसक वाले हमेशा निगेटिव सोचते रहते हैं, ध्यान रखिएगा, अरे तो ऐसे सब गड़बड़ है, ऐसे होता है, सब नकली होता है, सब गड़बड़ है, तो ये नहीं, रचनात्मक में आप नया क्या कर रहे हैं, ये दैट इज ए कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। तो एक रिसर्चर का देखिए, इसके आधार पर रिसर्चर के भी गुण तय हो रहे हैं। एक अच्छा शोधकर्ता वह है जो रचनात्मक सोच रखता है, कोई बनाने वाला, एक अच्छी रचनात्मक का मतलब है कि निर्माण कोई अच्छी चीज का वो करेगा, विध्वंस नहीं करेगा। और इसके बाद है कंडेंस्ड जर्नलाइजेशन, सामान्यकरण, ये होता है जो आप सामान्यकरण कर रहे हैं अपने विषय के, बता रहे भावों को, विचारों को, वो सामान्य जन तक पहुंच सके। हमारे संस्कृत की जगत की ये विडंबना है कि संस्कृत के जो शोध ग्रंथ लिखे जाते हैं यूजीसी ने, हमारे यहाँ तो हिंदी, अब आपके क्या जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं वही तक सीमित रह गया पुस्तकालय में। आम जन आपके आपके शोध आईआईटी वाला, एम्स वाला तो पढ़ ही नहीं सकता है, तो क्या होना चाहिए, अंग्रेजी जो जान रहे हैं एक समरी जो है अंग्रेजी में बन जाए, नहीं अंग्रेजी जान रहे तो एक समरी छोटी सी 10 पेज की हिंदी में बन जाए। इसकी इसकी जो है एबिलिटी कैसे बढ़ेगी, ये है दैट इज कंडेंस जर्नलाइजेशन। सामान्यकरण तब होगा कि वो कहा गया है ना, पित्वा पानी कर दे, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं अपने परिवार की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये रिसर्च के संदर्भ बात कर रहा हूं। पित्वा पानी कर दे हम भेको मकमकाए थे, बेटा की दुनिया क्या होती है, सोचता है कुआं ही सबसे बड़ा संसार है,
हमारी दुनिया सिमट गई है। जब अपने विषय को, जिस विषय के हैं आप, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र, व्याकरण, साहित्य, अन्य विषयों के साथ जब तक उनको जोड़कर वहां तक नहीं पहुंचाएंगे, कैसे जानेगा आपको, बताइए आप कैसे जानेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये करने की जरूरत है। तो ये है कंडेंस जर्नलाइजेशन, सामान्यीकरण। और लास्ट है, आपके लिए भी बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी है, सुपरवाइजर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए, रिसर्च का लास्ट लेटर कौन सा है? देखिए, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डाटा। शोध कार्य आप जो कर रहे हैं, जितनी सूचनाएं आप ले रहे हैं, उसमें ईमानदारी हो और आपका परिश्रम होना चाहिए। इसीलिए यूजीसी ने आप सबको, तो कोर्स वर्क होगा, अब प्लेगरिज्म, घोस्ट पब्लिकेशन, ये सब हम लोगों ने बनाया, उसमें बड़ी दिक्कत आ गई थी। तो इतना नकल शुरू हो गया, नकल भी शर्मा गया, सोचिए। हाँ, नकल, फिर नकल का नकल, फिर महानकल, फिर और भी जो है, तो तब ये बना कि अब प्लेगरिज्म, लेकिन अभी भी चल रहा है। तो ये जो अब्रिविएशन आपने देखा, अपने ऊपर भी उतारिए और रिसर्च के साथ जुड़िए। आप सोचिए कि कितना आनंद की स्थिति होगी ना। हम पंचकोश की तो बात करते हैं ना, अन्नमय से लेकर आनंद की ओर, लेकिन अन्नमय प्राण और मन, अन्न और प्राण के आगे तो जा ही नहीं पाते हैं, मन तक भी पहुंच गए तो विज्ञान में। आपका रिसर्च विज्ञान में होना चाहिए, दैट इज चेतना, कॉन्शसनेस पर आधारित होना चाहिए। आनंद की बात तो मैं नहीं कहा, आनंदम भव, वो बहुत बड़ी ऊंची पराकाष्ठा है, लेकिन आपका अगर शोध कार्य मनोमय तक नहीं जाता है, मनोमय से थोड़ा सा आगे विज्ञानमय तक नहीं है, विज्ञानमय जहां पर तार्किक है, जो बातें इसमें आ गई है, तो शोध विचार, आप शोध और लेख में अंतर नहीं है। इसीलिए हमारे संस्कृत जगत के विश्वविद्यालय जितने हैं, 80% रिसर्चेज, मैं कमेंट कर रहा हूं, मैं भी अपने ही खुद उसका कर रहा हूं कि मैक्सिमम जो है लेख लिखे जा रहे हैं पूरा करेक्ट। शोध में ये बातें अगर है तो शोध होगा। तो ये थोड़ी सी बातें हैं। अब आइए नॉलेज सिस्टम, ये बस दो चार है लाइनें। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में शोध का जिक्र कहां किया गया? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तो आप सबको पता होगा, हमारे यहां शास्त्रार्थ परंपरा रही है। व्यास पद्धति में शादी होते थे तो दो लोगों में होता था। ये शास्त्रार्थ परंपरा जो है, प्राचीन काल हमारे भारतीय परंपरा में रिसर्च जिसको बोलते थे, कन्वर्सेशन इसको कहा जाता था, रिसर्च डिस्कोर्स अंग्रेजी में बोलते हैं, रिसर्च कन्वर्सेशन। तो शास्त्रार्थ परंपरा में रिसर्च और रिसर्चर का था। बाकी वेदों में तो आप सब, ये उपनिषद जो है 108 है, गलत टाइप हो गया है, वेद है, वेदांग है, सबको वेदांग में हमारी शिक्षा है, ज्योतिष है, जितने विषय के आप लोग हैं सब यहाँ पर, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आपकी श्रुतियां है, स्मृतियां है, पुराण है 18, काव्य है, महाकाव्य है, दर्शन है, ये सब तो एरिया है, योग, आयुर्वेद, हमारे राजकर्म, शिक्षा शास्त्र, अर्थ, फॉरेस्ट मतलब पृथ्वी, वन संपदा, पशु, गीत, विज्ञान है, सोलर सिस्टम, सौर प्रणाली, वाटर जल संरक्षण, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मैं हिंदी बोलता चल रहा हूँ, कृषि, वाणिज्य, साहित्य, अभी सब जो है सर्जरी, सर्जन, मेडिसिन, चिकित्सा। फिर ग्रंथों में आप आइए, चर्चा किया था अभी, पंचतंत्र, कामंदक नीति शास्त्र, विदुर नीति, विदुर जो शायद विदुर नीति पर काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा उन्होंने किया है, जो हमारे न्याय प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो महाभारत में विदुर की नीति है, चाणक्य नीति है, भीष्म पर्व पूरा जो है हमारी ला का वो है पूरा का पूरा, अब तो खैर इंडियन पाइनल कोड और इन पर शुरुआत हुई है, अभी पूरा नहीं, वाल्मीकि रामायण है, भारतीय संत परंपरा हमने जो अभी चर्चा आपसे किया था। अब आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, मैं नहीं कहता हूं कि नया है, ये पंचपदी सिस्टम आप
शास्त्रार्थ परंपरा दैट इज ए रिसर्च, इसको पंचपदी भी कह सकते हैं या पंचमुखी परंपरा भी कह सकते हैं आप। वैशेषिक मीमांसा शास्त्र के हैं इसमें है? मीमांसक एक हुए हैं कुमारिल भट्ट, सातवीं शताब्दी के थे। अगर पता होगा कि कहानी है कि शंकराचार्य से इनका वो हुआ था बाद में भूसे का, मैं वो कहानी नहीं बताना चाह रहा हूँ, गुरु से वो किए बाद में इनको उदिन हुआ। सातवीं शताब्दी में, ध्यान रखिए सातवीं शताब्दी है, चौथी पांचवी छठी शताब्दी में भारत जो है विद्या के उच्च शिखर पर था, जिस समय नालंदा विक्रमशिला उदंतपुरी ये सब विश्वविद्यालय टॉप पर थे। और जो हम कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से तुलना करते हैं ये दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में आ रहे हैं, हमारा पराभव हो रहा है तब इनका उदय हो रहा है, इनसे तुलना हम नहीं कर सकते। जर्मन विश्वविद्यालय, फ्रांस का पेरिस विश्वविद्यालय, ये सब दसवीं शताब्दी शुरू, दसवीं और इलेवंथ, टेंथ एंड इलेवंथ सेंचुरी। और कहां हम चौथी पांचवी सातवीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट ने उनका ये एक श्लोक है, विषयो विशेषैव पूर्व पक्ष स्त्रोत्रम निर्णय सेदि पंचांग शास्त्राधिकरण से, ये पूरे रिसर्च की ये पूरी बात इन्होंने कह दी है। अब मैं इसको बताना चाह रहा हूं, हम अपने जो शिक्षा शास्त्र के लोग होंगे ये शिक्षा शास्त्र के लिए तो बिल्कुल 100% ये अकाट्य है, आप लोगों के लिए भी है अगर आप उनको करें। अब देखिए इसमें जो ये श्लोक है, पांच पद हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में शोध की बात चल रही है। पहला पद है विषय संदेह। हम शोध में जब बात करते हैं पहले हमने कहा था ना समाधान, रिसर्चर वह है जो समस्या न बने, रिसर्चर वह है जो समाधान खोजे, है ना यही बात, रिसर्च वह नहीं जो खुद समस्या बन जाए। विषय संदेह मतलब दैट इज ए प्रॉब्लम। आप जब कोई विषय का चयन करते हैं, प्रकरण का चयन करते हैं, शीर्षक का चयन करते हैं, तो दैट इज ए प्रॉब्लम इन रिसर्च, वो समस्या कहलाती है, ठीक है ना। ये कुमारिल भट्ट कह रहे हैं सातवीं शताब्दी में। दूसरा इसी श्लोक से आ रहा है विषय स्थापना, इसका है इंक्लूडिंग वेरिएबल रिलेटेड लिटरेचर। शिक्षा शास्त्र वाले जो शोध वाले चरों के बारे में जानते हैं, चर क्या होते हैं, तो विषय स्थापना है कि जिन चरों को संबंधित साहित्य के साथ, संबंधित साहित्य वो होते हैं जिस विषय पे आप शोध करने जा रहे हैं, आपके विषय पर पहले लोगों ने कितना रिसर्च किया है, तभी तो आप नया ले रहे हैं ना, तो विषय स्थापना वो हो गई। तीसरा है पूर्व पक्ष, इस श्लोक में है ना पूर्व पक्ष स्तोत्रम, पूर्व पक्ष दैट इज ऑब्जेक्शन डेटा फॉर निगेशन, क्या क्या आपत्तियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, किन किन चीजों को हमें लेना है, किनको इनकारना है, किनको लेना है, कुमारिल भट्ट कितना पहले कह गए थे। चौथा है उत्तर पक्ष, उत्तर पक्ष दैट इज सोल्यूशन, शोध में आप समाधान ही ढूंढने जा रहे हैं, सातवीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट कह रहे हैं। पांचवा है निर्णय सेदि पंचांग, श्लोक में है ना शास्त्राधिकरण स्मृतम, निर्णय दैट इज इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन, आप शोध का निष्कर्ष निकालते हैं। अब कुमारिल भट्ट ने ये जो पांच पद बताए हैं दुनिया के, मैंने उनको भी खोजा है और उनके नाम आप लोग याद रखिएगा बताने के लिए, तभी आपका भारतीय होने का गौरव प्राप्त होगा, नहीं तो वेस्टर्न को हम इतना यूरोपियन स्टेप ऑफ रिसर्च, हम शोध में शिक्षा शास्त्र में, चूंकि मैं शिक्षा शास्त्र यहां बताना जरूरी होगा, दो पैटर्न और लाइब्रेरी में जो रिसर्च करते हैं दो ही पैटर्न चलता है, एक अमेरिकन पैटर्न एक ब्रिटिश पैटर्न। ब्रिटिश पैटर्न जो है भारतीय परंपरा से है, कारण है कि ब्रिटिशर्स ने भारत एशिया के देशों में राज्य किया, तो हमारे यहाँ ना पाद टिप्पण्य लिखा जाता है ना, पाद टिप्पण्य, पाद टिप्पण्य क्या है, इस पेज के नीचे पैर के पास जो लिखा जाता है, तो जहां पाद टिप्पणी लिखा जाता है भारतीय परंपरा, वो इसको ब्रिटिशर्स ने ले लिया, तो ब्रिटिशर्स में जो है फुटनोट कहलाया ये, और अमेरिकन पैटर्न में यही फुटनोट रेफरेंस बन गया। ध्यान रखिएगा रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं संदर्भ सूची, एक होता है संदर्भ ग्रंथ सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची को अंग्रेजी में बिब्लियोग्राफी बोलते हैं,
वो आपके सबसे अंत में लिखा जाता है, जो मैं एजुकेशन वाले जो होंगे उनके लिए बहुत जरूरी है। तो पाद टिप्पणी है, फुट नोट, ये जो है यूरोपियन सिस्टम है भारतीय, लेकिन लेकर गए अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने शुरू किया। इसी तरह से दो पैटर्न में हमारी लाइब्रेरी का चलता है, जो कैटलॉग होता है, एक ऑथर से चलता है, ध्यान रखिएगा, एक पुस्तक से चलता है, एक ब्रिटिश सिस्टम है, एक अमेरिकन सिस्टम है। तो यूरोपियन स्टेप में प्रॉब्लम, स्टडी डिजाइन, डेटा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट, कंक्लूजन, ये यूरोपियन पैटर्न में जो पूरे दुनिया में IITs, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, सब में चल रहा है। हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ये जो पंचपदी प्रणाली हमारी है, इसमें स्क्रीन में देखिए यूरोपियन का जो अभी बताया हमने, ये जो पंचपदी प्रणाली कुमारी भट्ट ने 7वीं शताब्दी में दिया है शास्त्रार्थ का, वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट में दो लोग हुए हैं, नाम इनके नोट रही, याद रखिए, इनका नाम है थियोडोर केपलो और दूसरे नाम है कार्लो लस्तुची, ये डबल सी जो है चे बोला जाएगा, नाम का प्रोनाउंसिएशन बड़ा कठिन है। ये वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट है रिसर्च के, थियोडोर केपलो कार्लो लस्तुची के शोध पदों की तुलना में का इनका कुमारिल भट्ट का, इन्होंने कहा है कि यूरोपियन ने जो पद बताए हैं उनसे ज्यादा ऑथेंटिक समीची कुमारिल भट्ट का है। अब आप लोग अगर आप ज्ञान परंपरा में इनको प्रतिस्थापित नहीं करेंगे, दूसरा जानेगा कैसे, यही दिक्कत, इसीलिए ज्ञान परंपरा की बात है। देखो, शोध जिज्ञासा समाधान, शोध में सत्य का उद्घाटन होता है, यथार्थ का चित्रण होता है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं चूंकि शिक्षा से है, वैज्ञानिक खोज का उपयोग किया जाता है, तो इन्होंने ये कहा, जो थियोडोर केपलो है, इन्होंने कहा कि कुमारिल भट्ट की यह पंचपदी प्रणाली जो पांच दिए हैं, विषय विषय से जो पूरी बात के पांचों भी, ये सर्वाधिक उपयुक्त है, समीची है, ये दोनों लोग बोल रहे हैं। अब इनको जनमानस में, रिसर्च में जब तक आप लोग नहीं लाएंगे तो लोग कैसे जानेंगे, हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों ने कहा कि जो है कालो सूची के शोध पदों से अधिक पुराने, खुद कह रहे हैं हमारे इन पदों से अधिक पुराने और अधिक केंद्रित और समीचीन है, और ये शोध पद जो है हमारे शोध संस्कृति के आधार है, दीज आर द बेसिस ऑफ आवर रिसर्च कल्चर, कि इन्होंने बात वो पूरी की पूरी बताई थी। तो ये थोड़ी सी बातें थी। अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, खैर ये सब तो कुछ है, आप लोग जो विषय के लोग हैं उनको, आप लोगों को उतना काम नहीं देगा, इसमें पूरे अगर एजुकेशन वाले होते तो हम इनकी चर्चा करते, कि फार्मूला है ये पी और ओ, इसलिए हम नहीं इसमें बताना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद है कंटेंट एनालिसिस है और विषय, फिर पर्पज ऑफ एनालिसिस है, फिर टेक्निक एंड, ये हमारे जो एजुकेशन वाले की इंडिकेटर्स है शोध में, जैसे कोई ऐतिहासिक शोध करता है तो उसका प्रश्न शुरू होता है व्हाट वाज, क्या था, कोई वर्णात्मक अनुसंधान कर रहा है तो व्हाट इज, क्या है, कोई कोरिलेट रिसर्च कर रहा है तो व्हाट विल बी, क्या होगा, कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहा है तो व्हाई, व्हाट इज रियली, ये वास्तव में क्यों है ऐसा, ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कर रहा है फ्रॉम थिंग डन आफ्टर वर्ड, कैजुअल कंपरेटिव, ये एजुकेशन वालों के लिए है, तो हाउ एंड व्हाई, तो ये कुछ है। फिर हम गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान जो करते हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ गुण है और ये वो है, फिर इनके कुछ अंतर है, ये लास्ट आपका है। मेरा अंत में चलते चलते दो बातें करके समाप्त करता हूँ। शोध की जो परंपरा भारतीय रही है, ध्यान रखिएगा, शोधकार तो बहुत बात के है, पहले भारतीय बन जाइए, इंडियन से, इंडिया से पहले भारत में लौटिए, आपके खान पान, आपके विचार में, भाव में, जीवन शैली में पहले भारतीयता लगो करे, और हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, रिसर्चर के लिए बात कर रहा हूं, सकारात्मक अगर सोच करेंगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी
और जब सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी तो आपका एटीट्यूड जो है पॉजिटिव होगा। एटीट्यूड जब पॉजिटिव होगा तब आप रचनात्मक कार्य कर पाएंगे। जो बातें इसमें आई है तभी आप ऑनेस्टी की तरफ, शोध के प्रति ऑनेस्टी, तभी आप सत्य मार्ग, शोध के प्रति सत्य मार्ग, तभी आप प्लेगरिज्म से, साहित्यिक चोरी से बचेंगे, आपकी अंतरात्मा भिखारेगी। ये सब चीजें जब आप करेंगे तब आपका शोध कार्य, यही भारतीय परंपरा है। भारत के ज्ञान विज्ञान, भारत की गौरव गाथा को हम पुनर वापिस कैसे लाएं अपने शोध कार्यों से, यही हमारा जय है, यही हमारा विजय है। धन्यवाद।